मलिका दुआ के साथ यौन शोषण का हमाकार चला रही थी और उसका हाथ मेरी स्कर्ट में था। जानी मानी कॉमेडियन मलिका दुआ ने अपने साथ हुए यौन शोषण का खुलासा किया है। मलिका ने हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिसा मिलानो के अभियान मैटू का समर्थन करते हुए अपने साथ हुए हादसे का जिक्र किया है। मलिका दुआ ने बचपन में अपने साथ हुई उस घटना को याद करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बारे में लिखा है। कॉमेडियन मलिका दुआ के साथ यौन शोषण जाने माने पत्रकार विनोद दुआ की बेटी और कॉमेडियन मलिका दुआ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपने साथ हुए यौन शोषण की वारदात के बारे में लिखा है। उन्होंने बचपन में अपने साथ हुए उस वाकये को याद करते हुए लिखा है कि जब वो सिर्फ 7 साल की थी तभी यौन शोषण की शिकार बन गई थी। माँ कार चला रही थी और उसका हाथ। मलिका ने लिखा है कि मैं अपनी कार में यौन शोषण की शिकार हुई। मेरी माँ कार चला रही थी और वो हमारे साथ पीछे बैठा था। उसका हाथ मेरी स्कर्ट में था। उस वक्त मैं सिर्फ 7 साल की थी और मेरी बहन 11 साल की। उसका एक हाथ मेरी स्कर्ट में और दूसरा हाथ मेरी बहन की पीठ पर था। पिता ने सिखाया सबक। मलिका ने कहा कि मेरे पिता जो कि उस समय दूसरी कार में थे, उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ दिया और उसका मुंह तोड़ दिया। मलिक के इस इंस्टाग्राम पर पोस्ट के बाद कई लड़कियों ने भी अपने साथ हुई यौन शोषण की घटनाओं का खुलासा किया है। मैटू ट्रेन कर रहा है।